जिसको ढूंढ रहे थे वो मिल गए हमको, पूज्य डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्याण। ये होटल शाम है जिसकी हम बात कर रहे थे, बाबा साहब आकर है ना यहीं पर रुके थे, और मुझे लगता है कि आजू बाजू की बिल्डिंग भी पुरानी ही है। आठ 8:35 हो रहे हैं और देखिए सामने हमारा नाश्ता लग चुका है, जो मैं कभी नहीं करता। और है ना हमने सिर्फ है ना यहाँ पर कोई ब्रेड आमलेट मंगाया था, और होटल वाले ने हमें साथ में जानी क्या और भेज दिया। क्या है ये? इडली सांभर। ये इडली है, इडली सांभर बताओ। और पता है ये फ्री है। हाँ फ्री है, ये होटल बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छी सर्विस इसकी। कल रात को हमने हल्दीराम से कुछ मंगाया था खाने के लिए, कम था लेकिन बहुत टेस्टी था। भर गया था तुम्हारा। सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, और है ना यहाँ पर बाहर का व्यू इतना खास नहीं है, लेकिन अंदर का व्यू बहुत अच्छा है। ये तो बात माननी पड़ेगी। नाश्ता वगैरह बहुत शानदार था, और अभी हम तैयार हो चुके हैं दोनों बैग लेके दूसरे होटल में चेक इन करने के लिए। और आपको पता है जैसे हम यहाँ होटल्स में चेक इन कर रहे हैं, वैसे ही बाबा साहब 11 अक्टूबर को है ना शाम होटल में रुके थे। जब बाबा साहब 14 अक्टूबर को लाखों लोगों को दीक्षा देने वाले थे, तो यहाँ पे एक प्लान बनाया गया था। यहाँ पे लिखा है बाबा साहब पर है ना हवाई जहाज से ना फूल बरसाने की कोशिश की गई, बट जो पायलट था ना वो उस समय अवेलेबल नहीं था, तो उनको ये प्लान कैंसिल करना पड़ा। हम है ना अभी यहाँ पर होटल शाम ढूंढने वाले हैं, और उसके बाद यहाँ के नजदीकी एक ड्रैगन पैलेस है वहां जाने वाले हैं। देखो यहाँ पर स्तूप बने हुए हैं यार, नागपुर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये अलग ही दुनिया में आ गए यार, ऐसी चीजें देखने को कहाँ मिलती हैं। देखो यहाँ भी एक चक्र बना हुआ है, पता नहीं चल रहा है ना भाई क्यों वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो। मराठी में बोल दोगे ना, हर घर पे बना हुआ है यहाँ पर, देखो बाहर से टाइल्स लगी है, टाइल्स लगी हुई है यहाँ पर, मतलब जो चक्र मेरे पिताजी ने अपने घर पे बनवाए हैं। वैसे बहुत कम लोग बनवा पाते हैं एमपी में, उनको डर लगता है, बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ हर घर घर में बना रखे हैं। ये देखो ये भी घर अपने ये बहुत सारी टाइल्स लगी हुई है। क्या बात है यार, क्या बात है, तो ये आम बात है वो देखिए। वापस से एक और होटल, अब ये मत पूछना ये किसने बुक करवाया है, और इतना बड़ा ये कमरा नहीं है ना, उससे बड़ा यहाँ का बाथरूम है। और होटल में हमारे साथ कुछ खास लोग हैं। जय भीम। जय भीम। तो ये है मिशनरी पराग, ब्लॉगर और द थिंग से यूट्यूब चैनल से, और आप लोग साथ में सब लोग। तो आप लोग कहाँ से आ रहे हैं अभी? प्रॉपर गोंदिया से। गोंदिया से डायरेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर जो होटल शाम है वहाँ चल रहे हैं आप लोग साथ में? साथ में। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सीए रोड। अगर आप लोगों को वो होटल विजिट करना है ना, तो ऐसा मुझे पता चला कि सीए रोड पर ही है वो, और वहीं पर बाबा साहब रुके थे। अब थोड़ा सा ऐसी है ना, थोड़ा सा 116 में हमने किताब में पढ़ा कि रूम नंबर 116 में थे, और ये सब चीजें इसलिए दिखा रहे हैं कि इमोशनली जुड़े हुए हैं, और थोड़ा फील करेंगे बाबा साहब की किस तरह से वहाँ आए होंगे, फिर वहाँ से दीक्षा भूमि कैसे गए होंगे। और यहाँ पे हमें ना एक चीज और ढूंढ रहे हैं, डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्याण जी का बुद्ध विहार, या जहाँ से लोग यही बोल रहे हैं कि वो दीक्षा भूमि में ही रहते थे। यहाँ पर ऊपर जो है ना वो नीले झंडे दिख रहे हैं, ये RPI के हैं। मतलब यकीन नहीं हो रहा यार, क्या बात है, हमने वो चीज ढूंढ निकाली आखिरकार। वो होटल है जहाँ बाबा साहब रुके थे, होटल शाम। इस वक्त हालत ठीक नहीं है। क्या लग रहा है यार, मजा आ गया, मतलब यकीन नहीं हो रहा मेरे को तो यार। और 1956 के बाद कुछ सालों के बाद ये बंद हो चुका था। एंट्री नहीं अंदर। हालत बहुत ज्यादा खराब है। मुझे लगता है नागपुर के लोगों के लिए तो ये आम बात होगी, बट हमारे लिए खास बात है कि वो होटल ये वो है। और ऊपर देख रहे हैं वहाँ मेट्रो वेट्रो कुछ तो भी बन चुका है, शायद काम चल रहा है या मेट्रो बन चुका है, मुझे पता नहीं है। यहाँ पे एक अच्छा खासा मार्केट है, और रोड है, मेन रोड है एक्चुअली में, और अच्छी खासी यहाँ पर भीड़ है काफी है ना, पॉश इलाके में है ये पूरा एरिया। और अभी यहाँ पे कुछ तो भी चल रहा है, आकाश रेस्टोरेंट। तो ये अंदर जा नहीं सकते क्या? तो अभी यहाँ पर क्या है, कुछ है चल रहा है क्या कुछ यहाँ पर? अगर थोड़ा सा एंट्री नहीं मिल सकती थोड़ी सी भी। ये इसका एड्रेस है, आप यहाँ आ सकते हो, देख सकते हो। हमारी भाई साहब से बात हुई, वो मना कर रहे हैं कि वो यहाँ पर लॉक डाल रखा है इनने, आप एंट्री नहीं ले सकते हो, और यहाँ पे शोर शराबा काफ़ी हो रहा है। और वहाँ सामने जो है ना एक सीढ़ी दिख रही है, वहाँ से ऊपर जाएंगे ना तो वो रूम नंबर 116 देखने को मिल सकता है, बट
जो व्यक्ति है वो उन्होंने मना कर दिया क्लियरली। मतलब कोशिश तो मेरी पूरी थी, लेकिन क्या है किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी अगर वहाँ गया तो वो मुझे ना अंदर करवा देगा। इसमें ना रूम नंबर 116 का मतलब होता है कि फर्स्ट फ्लोर छठा रूम, मतलब ये जो आपको बीच वाली लाइन दिख रही है ना, बाबा साहब इस लाइन में कहीं रुके थे। मुझे लग रहा था कि पहले की होटल जो है अभी भी अच्छी हालत में होगा, क्योंकि ज्यादातर ऐसे पुराने होटल्स जो है वो अच्छी कंडीशन में होते हैं। और ऐसा बोल रहे हैं कि है ना इस होटल के अंदर किसी को भी अंदर जाने नहीं देते, मतलब यहाँ कोई भी आ जाए, मिनिस्टर आ जाए, फिर भी अंदर एंट्री नहीं है। और ये जो दुकानें बंद दिख रही है ना आपको, ये वाइन शॉप्स हैं। हम जितने सालों से आंदोलन करते आ रहे हैं उतने साल के आपको न्यूज भी पेपर भी चाहिए क्या? ये होटल में रुके तो उसकी रसीद है बाबा साहब, बुक करवाए थे, होटल बुक करवाए, 100 रुपए में बुक करवाया गया, 100 रुपए में, उस जमाने 100 रुपए में, 100 रुपए में, 100 रुपए आने कितनी बड़ी बात है। इन्हीं की किताब है जिसको हम पढ़कर यहाँ तक आए हैं। क्या बात है, इन्हीं की किताब पढ़ रहे थे हम। बुद्ध धर्म का इतिहास 12 से 13 तक नेताओं के साथ चर्चा किया गया, जिसमे नेताओं ने क्या बोले थे बाबा को, बाबा ये धम्म क्रांति अभी रोक दो, अभी चुनाव है। बाबा ने नेताओं को क्या बोला, मुझे धम्म प्यारा है, आपको आपको राजकारण करना है। जो किताब हम पढ़ रहे हैं ना वो ये ओरिजिनल है और ये दादा ने हमें बताई है, और ये ना मराठी में है। तो क्या है, बहुत सारे ऐसा इतिहास है जो मराठी में है जिसको है ना हम ना पढ़ नहीं पा रहे थे, लेकिन सम्यक प्रकाशन की वजह से ये किताब हमें पढ़ने को मिली। थैंक यू सम्यक प्रकाशन। दादा जय भीम, जय भीम। तो किताब अभी हमने देखी थी मराठी में, ये वही किताब की हिंदी वर्जन है जो समय प्रकाशन निकाल रहा है, अनिल गजबेने का राज कानून। हाँ, और इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो रसीद दिखा रहे थे, वो देखो यहीं कहीं होगी, ये रही, देखिए ये होटल शाम की रसीद है 100 रुपए की। ये संविधान चौक है और यहाँ पे प्रस्तावना है, यहाँ पे देख रहे हैं क्या शानदार लग रहा है। तो भाई साहब जहाँ हम सोच रहे हैं अगर ये वही जगह है ना तो मज़ा ही आ गया, क्योंकि ये जो बुद्ध विहार है ना इसको बुद्ध भूमि बोलते हैं, और ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा खास व्यक्ति का है। एड्रेस दिखा रहा हूँ, अगर आप लोगों को भी आना है तो यहाँ इस एड्रेस पे और ऐसे आ सकते। अगर ये एग्जैक्टली वही जगह है ना तो आप समझिएगा कि हमें खजाना मिल गया है, बहुत बड़ा खजाना, अलादीन का चिराग मिल गया है। अब एंट्री लेते हो ना तो पीछे सांची वाला एक गेट बना हुआ है, ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, मतलब सीमेंट से बनाया गया है, बुद्धा की स्टैचू है। एंट्री देखिए कितनी शानदार है। जो हम ढूंढ रहे हैं ना शायद हो सकता है उसकी पुष्टि सामने हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे एक बौद्ध भिक्षु की मूर्ति लगी हुई है, तो कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि एक्चुअली ये वही जगह है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए एक है ना बड़ा सा स्तूप बना हुआ है काफी सुंदर, और वहाँ पे वो स्टैचू है, और मुझे है ना अंदर से खुशी हो रही है कि हम है ना बहुत सही जगह पहुंचे हैं यार। जिसको ढूंढ रहे थे वो मिल गए हमको, पूज्य डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्याण। जन्म 1905 में हुआ था और मृत्यु या महापरिनिर्वाण 1988 में हुआ था। आपको पता ये व्यक्ति खास क्यों है? बाबा साहब की जितनी भी किताबें थी ना वो सारी इंग्लिश में थी, और बाबा साहब को पता था कि एक इंग्लिश भाषा ऐसी है जो कि इंटरनेशनली चीज़ों को पहुंचाई जा सकती हैं। अगर आज भी आप इंग्लिश में कुछ चीज़ लिखते बोलते हो सोशल मीडिया में तो विदेश के लोग भी वो देखते होंगे, हमारे ब्लॉग शायद ना देखते हो कि वो हिंदी में होते हैं प्रॉपर, लेकिन हिंदी कितना इम्पोर्टेंट था वो आप भदंत आनंद कौशल्याण जी से समझ सकते हैं, कि उन्होंने बाबा साहब की ज़्यादातर किताबें जो हैं मराठी या इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट की। और इनका सबसे बड़ी किताब कौन सी थी पता है? कौन सी होगी? बुद्ध एंड धम्मा। हाँ, द बुद्धा एंड इज धम्मा। बाबा साहब के जाने के बाद बहुत सारे लोग बुद्धा एंड इज धम्मा पढ़ना चाहते थे, लेकिन कैसे पढ़ते, वो इंग्लिश में था। उसके बाद भदंत आनंद कौशल्याण जी ने उस किताब को जो है ना हिंदी में कन्वर्ट की, इसी वजह से आपके दादा या पिता इस किताब को पढ़ पाए होंगे। हाँ, आज के ज़माने में होती तो वो कोई भी कर देता, लेकिन उस ज़माने में इन्होंने की थी। ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा मेरे मायने में। मैं इनका नाम है ना बहुत टाइम सुनते आ रहा था यार, मैंने भी काफ़ी समय सुना, मैं बस आना चाहता था कि मैं ये कहाँ रहते थे, मैं देखना चाहता था, आज वो मेरी इच्छा पूरी हो गई। पढ़ते हिंदी में तो उनका नाम लिखा हुआ है उसमें, हाँ अनुवाद में, बिल्कुल बिल्कुल।
क्यों सुमित, मुझे ये लग रहा है कि ये शायद ये उनका स्तूप होगा और यहाँ अस्थियाँ कुछ रखी। हाँ शायद उनकी अस्थियाँ यहाँ होंगी। आराम तो जाते हैं उस टाइम में लग रहे हैं। चलो आओ देखते हैं। बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा। हम तो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते इन चीजों को, पता है मतलब आप से झलकता भी नहीं कितनी खुशी हो रही है। आप लोग किताबों में पढ़ते हो, वही बोल रहे ना, आप लोग तो किताबों में पढ़ते हो, हम लाइव जाके देखते हैं। मैं तो लक्की समझता हूं इस बात के लिए, मैं अंजलि भैया के साथ ये देखने को मिल जाता है। यहां से एक एंट्री है बुद्ध विहार की। आप देख रहे हो ये जो बाबा साहब की फोटो है ना, इस पे जो चश्मा बना है ना, वही हमारी वो चश्मा वाली टी शर्ट है। ये दो हमारे सम्राट मिले हैं। कैसे हैं आप लोग? क्या नाम है आपका? आशीष गजबी। और आप? हम सीती जी मानोट कर रहे हैं। नागपुर के हैं प्रॉपर। कुछ ड्रोन शॉट दिखाएं आपको वाइड एंगल में। यहाँ पर मतलब एंट्री थी, हमने अभी तक दिखाया नहीं आपको, लेकिन यहाँ बुद्धा की ना बहुत सुंदर स्टैचू बनी है जो कि मेन रोड की तरफ फेस किया गया है उसका। और जो भी यहाँ आएगा सबसे पहले उसको यही दिखेगा। दिखा रहा हूँ, कमेंट मत करो। देख रहे हैं कितनी शानदार और शांत गोल्डन, जब सूरज पड़ रहा है तो इतना मनमोहक दृश्य बन रहा है ना, ये आपको मैं बता नहीं सकता, आपको दिखा सकता हूँ तो देख लीजिए। कुछ तो भी है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर है ना राउंड शेप में, यहाँ पे आप घूम सकते हैं चारों तरफ बुद्ध का स्टैचू बना हुआ है। अच्छा ये एक अलग थ्योरी चलती है, इस ये बात मुझे समझ नहीं आती अभी तक, लेकिन मुझे पल्ले नहीं पड़ी ये बात कुल मिला के कि 28 बुद्ध थे या 7 बुद्ध पहले भी हुआ करते थे, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट में ये बात समझ लास्ट बुद्ध थे नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट जो है ना, ऐसा हो सकता है कि जब कोई एक बुद्ध बन सकता है तो कोई भी बन सकता है यार। कुछ बुद्ध भी एक आम मानव थे। सेवन स्टेज जो पार कर जाता है सातवीं, तो उसे सम्यक संबुद्ध बोलते हैं। उपाधि है, पोस्ट है, तो पोस्ट होती है, तो ये पोस्ट है। ये चार मुंह वाले शेर जैसे लग रहे हैं, थोड़े से टूट गए हैं, लेकिन कैसा 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 लगा? जबरदस्त। कैसा लगा बताओ जल्दी से। लगा। तो इसी तरह के वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट तो ठोकते चलिए। तो शाम का समय है और अब मुझे लगता है कि आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करना चाहिए, काफ़ी लंबा हो गया है, तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। कीप सपोर्टिंग। हाँ क्या बोल रहे? कुछ बोल रहे थे, समझ नहीं आया, यही समस्या है यहाँ की। चलो कीप सपोर्टिंग।